फ्रेंड्स देखिए हम आ चुके हैं चांदनी चौक, और चांदनी चौक का हाल कुछ ऐसा देखिए, भीड़ तो वैसे यहाँ पे बहुत ही है, पर ये कुछ काम वगैरह चल रहा है इसलिए यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, और ऐसी ही जर्नी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली का चांदनी चौक। चांदनी चौक तो वैसे काफ़ी फेमस है, सबको पता होगा, बट फिर भी देखते हैं लोग 2.0 में क्या हाल है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और मिलते हैं चांदनी चौक पे। फ्रेंड्स हम पहुंचने वाले हैं चांदनी चौक, और अभी हम लाल किले से जो पहले रेड लाइट पड़ती है वहाँ पे, और जो रास्ता पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा है, तो अभी हम वहाँ पे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, और अगर ज़्यादा कमेंट्स आई तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और चांदनी चौक पर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम आ चुके हैं चांदनी चौक, और चांदनी चौक का हाल कुछ ऐसा देखिए, भीड़ तो वैसे यहाँ पे बहुत ही है, पर ये कुछ काम वगैरह चल रहा है इसलिए यहाँ पे अभी जो थोड़ी गाड़ियाँ वगैरह बाइक वगैरह तो कुछ नहीं आ रही, इसलिए बाइक पार्किंग में लगा चुके हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये है तो वैसे भीड़ पर उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी, तो बहुत अभी लॉकडाउन की वजह से खुला है, पर अभी भी लोगों के मन में डर है कि कोरोना वगैरह का, क्योंकि केस वगैरह भी और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये देखिए ये दोनों साइड मार्केट है चांदनी चौक की। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ये चांदनी चौक का गुरुद्वारा है, और ये भी अभी शायद देखो बैरिकेड लगे हुए हैं, ये भी पूरा बंद है, और इसमें शायद कुछ काम वगैरह भी चल रहा है अभी। और वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी पर अभी काफ़ी कम है। ये देखिए फ्रेंड्स ये गुरुद्वारा है। फ्रेंड्स ये यहाँ पे इस पर रोड वगैरह बन रही है ना, तो इसलिए यहाँ का जो काम है वो भी ठप है। देखिए दुकान पे बेचारे सब जो दुकानदार है वो अभी एकदम ऐसे ही बैठे हुए हैं, बहुत कम कस्टमर है, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर आपको तो पता ही है कि कितनी फेमस मार्केट है चांदनी चौक है, जो कि दिल्ली की क्या पूरे भारत की फेमस मार्केट है। यहाँ से होलसेल का जो काम होता है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से होता है, और यहीं से ही मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में माल सप्लाई होता है। ये देखिए कितना अच्छा रोड बन रहा है वैसे यहाँ पे, वगैरह के लिए जो भी लहंगे महंगे होते हैं और दूल्हे के लिए, ये सारी शॉप है देखिए, इसके आगे सारा टूटा पड़ा है ना, इसलिए लोग अब कम ही आते हैं थोड़े, क्या करें। तो देखो कब तक बनता है, अभी तो काफ़ी टाइम है, मैं काफ़ी टाइम हो गया देखते देखते, मुझे अभी तक तो बना नहीं, और बीच में लॉकडाउन भी चालू हो गया था। अभी तो वैसे मार्केट तो बिल्कुल ही ठप ही मान लो एक तरह से, क्योंकि एक कोरोना की वजह से लोगों का डर, और दूसरा ये टूट फूट जो यहाँ पे हुई पड़ी है, इस वजह से लोग बाग सिर्फ ऐसे ही देखने आ रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होगी वही आते हैं बस। वैसे फ्रेंड मुझे पता होता है यहाँ पर कुछ ऐसे ही हाल है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ का क्या हाल है। जो दिल्ली में रहता है उसे तो पता होगा, लेकिन जो बाहर होगा और जिसे यहाँ पे आना होगा एक बार इस वीडियो के जरिए उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हाल है, और उसी के हिसाब से फिर वो यहाँ पर आएगा। कोरोना चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा इधर आया हूँ मैं, ये है पूरी मार्केट।
चांदनी चौक की, सारा बुरा हाल हुआ पड़ा यहाँ तो सारा। जितनी यहाँ भीड़ होती थी ना उसका 5% भी नहीं है इस टाइम, वरना यहाँ की भीड़ पूरे भारत को पता है कैसी होती है। कोरोना की वजह से ज़्यादा है यहाँ पे, वैसे देखा जाए कोरोना का डर है जो कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं हो रही, वरना भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा उनकी हाल होता है। यहाँ से आप हर चीज़ ले सकते हो, मेल फीमेल बच्चों जिसके लिए भी लेना चाहो सबके लिए यहाँ पे कपड़े वगैरह। हाल बेकार हुआ पड़ा पूरा, ये देखिए सारा टूटा उठा पड़ा हुआ, और आई थिंक अभी तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे सही होने में। और दो चीज़ें, कोरोना और ये काम। फिर भी दिखाता हूँ आपको मार्केट जो भी जैसी है। तो फ्रेंड्स देखे चलते चलते हम आ चुके हैं नई सड़क, और नई सड़क का हाल दिखाते हैं। देखो ऐसा सारी मार्केट वगैरह बंद है, सारी चांदनी चौक तो बंद है ही है, नई सड़क भी बंद है। ये भी क्या नाम है लहंगे वगैरह और क्या नाम है काफ़ी चीज़ के लिए फेमस है यहाँ पे, साड़ियाँ वगैरह जो भी आप ले सकते हो। चलो फिर भी यहाँ से आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ क्या कहते हैं। फ्रेंड्स ये है नई सड़क, ये भी काफ़ी फेमस है। देखिए शॉप वगैरह भी काफ़ी बंद है, पर चलो आपको दिखाई देते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, क्या हाल है। कोरोना से पहले आया था मैं यहाँ पे, तब देखते हैं यहाँ पे क्या भीड़ थी, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। तो अब भी जो भी बाहर से आने वाले हैं यहाँ पे तो एक बार हाल देख लेना इस वीडियो को, उसी के हिसाब से आना। बिकॉज अब इतनी दूर से आओ और तुम्हें कुछ मिले ना तो क्या फ़ायदा। अब मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, तो इसलिए मैं सोचा चलो ठीक है बना देता हूँ, दिखा देता हूँ लोगों को जो भी है। ये है मार्केट का हाल, ये देखो एक दुकान खुली है तो चार दुकान बंद है बिल्कुल। बस ऐसे ही बैठ बैठ के टाइम पास ही हो रहा है लोगों का, सब काम नहीं हो रहा कुछ, क्या करें। और बताना चाहता हूँ जो नई सड़क है ना, स्टार्टिंग में तो आपको ये लेडीज वगैरह के कपड़े वगैरह मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पे हर टाइप की किताबें वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, पुरानी से पुरानी नई से नई, जो भी किताब आपको ना मिले बुक्स वगैरह तो यहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। चलो वो भी दिखाता हूँ, चलते हैं अभी आगे। कि चांदनी चौक तो बंद है पर ये तो फिर भी चालू है थोड़ा बहुत, बस पब्लिक नहीं आई हुई यहाँ पे, सब बैठे भैया मक्खी मार रहे हैं। क्यों जब लोग आ गए नहीं है तो कहाँ से इनकी सेलिंग हो। ये देखिए फ्रेंड पूरा तो ये बारिश, ज़रा सी बारिश हो जाए सारे में कीचड़ वीचड़, क्या बुरा। ये साड़ियाँ वगैरह जो भी, अरुण वस्त्र भंडार, ये देखिए चारों तरफ साड़ियाँ लहंगे और लड़के के ये बुक्स वगैरह की दुकान है, बुक्स वगैरह अभी आगे है, अभी थोड़ा और आगे पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब ये यहाँ से जो स्टार्ट होती है, यहाँ से ये मार्केट बुक्स वगैरह की स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से जितनी भी आगे है सारी बुक्स वगैरह की दुकान है, और यहाँ से आप पुरानी से पुरानी नई से नई कोई भी बुक्स ले सकते हो यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ बुक्स की दुकान है किताबों की,
ये देखिए बुक्स ही बुक्स है यहाँ पे, बुक्स किताबें वगैरह। फ्रेंड्स आप भी देखो यार, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लॉकडाउन में भी। बेशक अनलॉक हो गया पर अभी भी है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कितने केस वगैरह बढ़ रहे हैं अभी भारत में, और दिल्ली में भी केस है काफ़ी। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ अलग अलग जगह जहाँ पे, दिल्ली का अलग अलग पैलेस दिखा रहा हूँ कि क्या हाल है। और फिर भी आप फ्रेंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज वीडियो पर कुछ लाइक्स वगैरह व्यू वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हैं, और टाइम नहीं है। थोड़ा फ्रेंड सपोर्ट दिखाइए मुझे भी, जिससे कि मैं भी थोड़ा, मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिले और वीडियो बनाने की। तो आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर कौन दिखाएगा बताओ। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं, जितना मैं आपको दिखाया, जितना मैं दिखा सकता था उतना दिखाया आपको। यहाँ का हाल दिखाई दिया आपको, क्या क्या हाल है यहाँ का। और ये नई सड़क है, ये तो बता देता वैसे मैंने आपको। ये देखिए दुकान वगैरह भी सारी बंद है, तो अभी सोच समझ के आना है यहाँ पे। ये मतलब क्या हो, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ जो आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा तो ही आना, वरना ये मतलब का आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मार्केट वगैरह तो बंद है, बट हाँ खुली हुई भी है, ऐसी बात नहीं नहीं खुल रही, दुकानें खुली हुई है काफ़ी। चलिए फ्रेंड्स अब जाकर अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं पार्किंग से, और बस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बताना ज़रूर कि आखिर ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और एक नई जर्नी पे फिर दोबारा मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।